हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं मैथ इज फन विद शालिनी। हमारी सीरीज चल रही है इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के सैंपल पेपर को सॉल्व करने की, तो उसी में हम आगे आज सॉल्व करेंगे ग्रेड 4 का सैंपल पेपर फॉर 2022 एंड 2023। बहुत अच्छे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट आएगा ग्रेड 5 का सैंपल पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये फिगर आपको दिख रहा है और इसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखो आप, वन, ये जो वन ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसके अंदर ही टू और थ्री, राइट। ये पूरा वन है, ये टू थ्री, सिमिलरली ये फोर फाइव और ये वाला पूरा सिक्स, राइट। इसी तरह से अगर आप साइड में देखोगे तो आपको दूसरे और ट्राइंगल यहां पर दिखाई देंगे, लाइक ये वाला सेवन एंड दिस ट्राइंगल इज एट, ओके। एंड आपको यहां नीचे भी एक मिले ट्राइंगल दिखाई देगा, ये वाला नाइन एंड सिमिलरली दिस साइड 10. So total number of triangles are 10 in this figure. So 10 is in option C. So option C is the correct answer. Second question is, there is certain relationship between figure 1 and 2. Establish a similar relationship between figure 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options which will replace the question mark. ओके, तो हमको यहां पर देखो ये वाला जो फिगर दिया हुआ है सेम इसी तरह से हमको इस फिगर को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाले फिगर में देखो ये जो स्क्वायर है, ये जो रेक्टेंगल है ऊपर, ये मिरर इमेज है, क्यों जो चीज दूर होती है इमेज में वो मिरर में भी हमको दूर दिखाई देती है। तो सिमिलरली यहां पर ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल हमको यहां पर दिखाई देगा, राइट। ये जो फिगर बना हुआ है ट्राइंगल जैसा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये सेम है। तो सिमिलरली हमको यहां पर भी ये जो रेक्टेंगल या स्क्वायर आप बोल लो, ये जो बना हुआ है ये सेम रहेगा, ठीक है। अब आप देखो ये जो स्टार यहां पे था वो घूमकर इधर चला गया, जो डॉट यहां था वो यहां चला गया और एरो वहां से यहां आ गया, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। सिमिलरली हम भी कर देंगे, ये जो एरो है यहां पर इसको घुमाकर हम यहां पे कर देंगे, तो ये एरो यहां आ जाएगा, ये स्टार साइन यहां आ जाएगा, एस्ट्रिक साइन, डॉट इधर आ जाएगा और एस जो है हमारा वो यहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये है हमारी ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स। Find the combination of numbers so that the letters are arranged according to a form a meaningful English word. यहाँ पर आपको jumbled word दिए हुए हैं N O L E D G और हर एक जो alphabet है उसको एक number दिया हुआ है। आपको इन alphabet को properly arrange करके कोई meaningful word बनाना है English का और फिर उसी के हिसाब से आपको इन numbers का sequence भी arrange करना है। तो यहाँ पर जो भी number लिखे हुए हैं इनसे मुझे जो word समझ में आता है वो है गोल्डन। अगर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसके अलावा भी कोई वर्ड पॉसिबल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। तो गोल्डन वर्ड में अब देखो जी के नीचे क्या है, नंबर 6 वैसे ही अरेंज कर लेंगे, ओ का नंबर है 2, एल का नंबर है 3, डी का नंबर है 5, ई का नंबर है 4 और एन का नंबर है 1। सो 6, 2, 3, 5, 4, 1 is in option A. So option A is the correct answer. Mathematical reasoning से हमारा next question है, difference between the place values of 4 and 5 in the number given below. Place value आपको पता है क्या होता है, जो पोजीशन होती है उस नंबर की उस पोजीशन को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू होता है द नंबर इटसेल्फ, ओके। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इस नंबर में क्या है, देखो ये नंबर क्या है, सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 409500,
यानी कि 4,09,500। तो इसमें 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई हमारी 4 लाख, isn't it? This is the position of 4. 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई 500, और हमें निकालना क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखो 0, 0, ये 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो 10 हो जाएगा, बोरो करेंगे 1, सो दिस विल बी 5, ये हो जाएगा 9, ये भी 9, एंड दिस इज 3। ओके, सो 3,99,500 विच इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। अब यहां पर हमको सी से डी तक की लेंथ बतानी है, ठीक है। अब देखो ये रेक्टेंगल अगर पूरा ऐसा होता, यहां से यहां तक पूरा ऐसा होता, राइट, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारी आमने सामने की जो लाइंस हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। तो ये वाला अगर 17 है तो ये वाली लाइन पूरी ये भी 17 सेंटीमीटर होती, इज इट। लेकिन इसमें इस तरफ का पार्ट हमको दिया हुआ है 5 और इस तरफ का पार्ट हमको दिया है 4, एग्जैक्टली और ये है हमारा सी डी। यानी कि अगर हम बात करें कि ए से एफ तक की लेंथ है 17 सेंटीमीटर, ए बी, ए एफ कैसे बना है, देखो ए से एफ तक कैसे बना है, ए से बी तक की लेंथ, फिर सी से डी तक की लेंथ, फिर ई से एफ तक की लेंथ, राइट, ऐसे ही हमारा बना है, और इक्वल्स टू 17, इज इट। ए से बी तक की लेंथ है 5, सी डी की लेंथ हमको निकालनी है, ई एफ की लेंथ है 4, राइट, 5 + 4 = 9, और जब 9 उस तरफ जाएगा तो 17 में से माइनस हो जाएगा, सो सी डी इक्वल्स टू 17 - 9 equals to 8 centimeter. So 8 centimeter is in option C. So option C is the correct answer. How many multiples of 10 are there from 20 to 150? 20 से लेकर 150 तक 10 के कितने मल्टीपल्स हैं? तो आप चाहे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हो तो सिंपली हम 10 के मल्टीपल्स लिख लेंगे इंक्लूडिंग 20 एंड 150। सो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, and 150. ओके, तो कितने हो गए हमारे टोटल मल्टीपल्स, हम काउंट कर लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 is in option B, so option B is the correct answer. एवरीडे मैथमेटिक्स से हमारा क्वेश्चन है, द फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू दुबई टुक ऑफ एट 4:45 आवर्स, ओके, 4 hours 45 minutes, 4:45, दिस इज द टाइम, एंड इट रीचेस दुबई एट 9:15 आवर्स, एंड इट लैंडेड इन दुबई एट 9:15, हाउ लॉन्ग वॉज द फ्लाइट, इट मीन्स हमको ड्यूरेशन बताना है, कितना दूर है चेन्नई से दुबई, हमको वो ड्यूरेशन बताना है, फ्लाइट को कितना टाइम लगा टोटल। तो 4:45 पर अगर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, अगर हम इसमें 15 और ऐड कर दें तो कितना हो जाता है, 5 PM हो जाता है, राइट, 5 PM हो जाता है, हम इसको राउंड फिगर में करके सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली 9:15 में से अगर हम 15 कर दें माइनस, तो ये कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, 9 PM, राइट, सो 9 - 5, क्योंकि हम बाद वाले समय में से, बाद वाले टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, 9 - 5, सो दिस विल बी 4, तो ये हो तो हो गया हमारे पास 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स हमारे पास हो गए। लेकिन हमने जो ये 15 यहां पर ऐड किया था, ये वाला 15, क्योंकि 4:45 से थी फ्लाइट, ये 15, और ये 15 जो हमने छोड़ दिया था, ये 15 + 15 = 30, सो 4 hours 30 minutes, सो 4 hours 30 minutes इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The total number of children in a class is 40. 7 children were absent on Monday. What fraction of total children were present on Monday? देखो, total students कितने हैं class में? 40. ठीक है? Total students हैं हमारे पास 40.
सेवन वर एबसेंट ऑन मंडे. ओके, एबसेंट कितने हैं हमारे पास? सेवन. तो 40 माइनस सेवन कितने हो गए प्रेजेंट? 33. ये हमारे पास हो गए प्रेजेंट. प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हो गए? 33. अब हमको क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है जो प्रेजेंट है. फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पार्ट अपॉन होल. पार्ट कितना है? 33. प्रेजेंट का पार्ट हमको निकालना है. देखो बोला है ना, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर प्रेजेंट ऑन मंडे. तो प्रेजेंट का फ्रैक्शन हमको निकालना है आउट ऑफ टोटल. टोटल इज 40. सो 33 बाय 40 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. है ना, बहुत ही सिंपल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज अचीवर सेक्शन. और अचीवर सेक्शन से हमारा क्वेश्चन है, पिंकू, रवि, ब्रिजेश एंड रघु आर फ्रेंड्स. द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टॉय कार्स ईच ऑफ देम हैव. व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द गिवन ग्राफ? ब्रिजेश हैज 1/3 ऑफ नंबर. अच्छा, इसमें ग्राफ में हमको क्या समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहले हम ग्राफ को सॉल्व कर लेते हैं. ब्रिजेश के पास है 15 कार्स, राइट. रघु के पास है 20 टॉय कार्स. रवि के पास है अराउंड 30 और पिंकू के पास है अराउंड 40 कार्स. ठीक है, तो ब्रिजेश हैज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज पिंकू हैज. ब्रिजेश के पास जो है पिंकू के 1/3 है नंबर्स. तो ऐसा तो नहीं है. देखो इसका 1/3 कितना हुआ? 40 का 1/3 कितना हुआ? 40 का 1/3 तो कुछ डेसिमल्स में होता है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज, थ्री चिल्ड्रंस हैव मोर देन 20 कार्स. मोर देन 20 कार्स सिर्फ दो लोगों के पास है, पिंकू और रवि के पास. तो वो भी सही नहीं है. सी ऑप्शन इज, रवि हैज टॉयज एज मेनी कार्स एज ब्रिजेश हैज. रवि के पास है 30, ब्रिजेश के पास है 15. तो 15 इंटू 2 यानी 30, डबल. रवि के पास डबल है ब्रिजेश के कंपैरिजन में. तो ये स्टेटमेंट यस बिल्कुल ट्रू है. तो ऑप्शन सी को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ करेक्ट आंसर. टेंथ क्वेश्चन है, सांची थिंक्स ऑफ टू नंबर्स और कंडीशंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 8, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 128 एंड बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर्स. सो व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ नंबर्स एंड वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर्स? तो दोनों नंबर्स का हमको सम और उनकी वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है. ठीक है, तो देखो दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 8. ठीक, और हमको बोला है कि बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस को हम सबसे पहले देखेंगे. तो ऑप्शंस में जितने भी दिख रहे हैं वो सारे इवन नंबर्स हैं. सारे इवन नंबर्स हैं हमारे पास. ठीक है, अब ये कंडीशन तो है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 128. तो अगर हमको देखो ये दिया 128 हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उसमें से ये वाला दूसरे नंबर्स को हम अगर माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि हमारा पहला नंबर क्या है. सो 128 डिवाइडेड बाय 4, फर्स्ट ऑप्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी 32, राइट. दिस विल बी 32. सो 32 हमारे पास होगा दूसरा नंबर. बट द प्रोडक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 8. अब अगर हम 32 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास 8 आएगा? नहीं आएगा. अब हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन बी पे जाएंगे, सेकेंड बी पर. बी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन में स्मॉलर नंबर क्या है? 8. तो अब हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे 128 को, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है. एक नंबर हमको ऑलरेडी पता है 8, तो दूसरे नंबर को हम निकाल सकते हैं. तो ये हो गया 16. अब हम देखेंगे हमारे पास हो गया एक नंबर 16 और दूसरा नंबर है हमारे पास 8. तो 16 और 8 का डिफरेंस 8 होता है क्या? यस 8 होता है. और 16 और 8 का प्रोडक्ट 128 होता है क्या? वो भी 128 होता है. एंड बोथ आर इवन नंबर्स. सो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन बी. तो हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत अब नहीं है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो दिस वॉज माई स्मॉल अटेम्प्ट. तो आपको बता सकूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में. बहुत ही ईजी होते हैं. थोड़ा सा आपको अपना जो सोचने की एबिलिटी है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी है, वो आपको बढ़ानी पड़ेगी. और वो कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी हमारे प्रैक्टिस से. बिकॉज आई ऑलवेज से टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स. तो अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको मैथ्स करना पड़ेगा. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, ग्रेड 5 इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड सैंपल पेपर. टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.